Hi guys, welcome your favorite YouTube channel Facial Care on Self. Please click subscribe button and bell button for latest video. It's absolutely free. This is Shisha. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आटे से कुछ ऐसा टिप्स जो आपको और भी ब्यूटीफुल बनाए। फ्रेंड्स, आटा तो हर किसी के किचन रूम में रहता ही है और आटा हम लोगों को बहुत पसंद भी है क्योंकि ये हम लोगों का पेट भरता है। पर आज से फ्रेंड्स आप आटे को और भी पसंद करने लगेंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये आपको और भी ब्यूटीफुल बनाएगा, आपका ब्यूटी को और भी इनहेंस करेगा। तो चलिए जान लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आज जो आटे के बारे में जानेंगे वो है गेहूं का आटा। गेहूं का आटे से फ्रेंड्स आप अपनी स्किन को ब्राइटन अप कर सकते हैं, फेयर बना सकते हैं, आपका स्किन को टाइटन कर सकते हैं, आपका स्किन का डेड सेल को, डार्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टिप्स है फ्रेंड्स, सभी का यही सबसे ज्यादा पसंदीदा टॉपिक है, वो है फेयर स्किन कैसे मिले। फेयर स्किन पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आटे को जरूर इस्तेमाल करें। 2 चम्मच आटे के साथ 2 चम्मच कच्चा गाय के दूध, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच हनी ऐड करके एक फेस पैक बना लें और अपने फेस में लगा के 20 मिनट रखें और उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो लें। फेस को धोते ही आप देख पाएंगे आपका स्किन पहले से लाइटन हुआ है, फेयरर बनाया है। इस फेस पैक को आप हफ्ते में 4 से 5 दिन इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंड्स ये धीरे धीरे आपकी स्किन को फेयरर बनाते जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आती हूँ, आपका स्किन लूज हो गया है तो आप आटे को कैसे इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, जिनका भी स्किन लूज होने लगा है उनके लिए आटा फ्रेंड्स एक रामबाण दवाई का काम करता है। आपका स्किन लूज हो रहा है तो फ्रेंड्स अभी से आटे से एक फेस पैक बना ले और अपनी स्किन को फिर से टाइटन अप करे और फिर से यंगर बन जाए। इसके लिए दोस्तों आपको लेना है 4 चम्मच आटा और उसमें आपको ऐड करना है 1 अंडे का व्हाइट, 1 व्हाइट और थोड़ा सा पानी मिक्स करके एक फेस पैक रेडी करें, टाइट फेस पैक, थोड़ा सा थिकी फेस पैक बनाना है आपको इसको और उसके बाद अपने फेस में लगा के 1/2 घंटे के लिए रख देना है। 1/2 घंटे में ये नहीं सूखता है तो फ्रेंड्स आपको और भी थोड़ा टाइम देना है, मतलब आपको फेस पैक को फुल ड्राई कर लेना है। फेस पैक जब ड्राई होते रहेगा तभी आप समझ चुके होंगे कि आपका स्किन टाइटन अप हो रहा है। तो इसको 1/2 घंटा रखे या उससे ज्यादा रखे जब तक ना फेस पैक ड्राई हो और उसके बाद नॉर्मल वाटर से, रनिंग वाटर से अपने फेस को धो ले। ऐसा हफ्ते में 3 दिन करने से फ्रेंड्स आपका स्किन फिर से टाइटन हो जाएगा। थर्ड टिप्स है फ्रेंड्स, आपका स्किन का डेड सेल को रिमूव करने के लिए आपको आटे को कैसे इस्तेमाल करना है। हर रोज हम लोगों के स्किन में डेड सेल आता है जिसको रिमूव करने से फ्रेंड्स स्किन निकल आता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है और फेयर होता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको हर रोज का स्किन को डेड सेल को रिमूव करना है, अपने स्किन का डार्ट को रिमूव करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको लेना है 2 चम्मच गेहूं का आटा और उसमें 1 चम्मच चावल का आटा जोड़ना है और 1 चम्मच नींबू का रस जोड़ना है और इन तीनों को थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स कर लेना है और करके अपने फेस में लगा कर 20 से 25 मिनट रखना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से थोड़ा रब करते हुए धो लेना है। ऐसा करने से फ्रेंड्स आपके डेड सेल रिमूव हो ही जाता है और उसके साथ ही साथ आपका स्किन फेयरर और ब्राइट भी बनता है। और फ्रेंड्स इस फेस पैक को आप हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन सभी के बारे में जानकारी लेके आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने बहुत सारे फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ इसको जरूर शेयर करें। और एक बात है फ्रेंड्स, आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो देखिए मेरे वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन आ रहा है और एक बेल बटन आ रहा है, इन दोनों को क्लिक कर ले और मुझे सब्सक्राइब कर ले। इससे फ्रेंड्स मैं जब भी कोई नया सा वीडियो लाऊंगी उसको आप देख पाएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मैं फिर मिलूंगी कोई अच्छा सा ब्यूटी टिप्स या हेल्थ टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।